बहुत एंटरटेनिंग है, एक नंबर पिक्चर है। स्त्री ने सरप्राइज किया था, इसने डबल सरप्राइज किया। फर्स्ट डे फर्स्ट शो आना वर्थ हुआ। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सबके परफॉर्मेंस अच्छे लगे। बाकी मुझे पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव ने सरप्राइज़ किया, उनका काम मुझे बढ़िया लगा। अच्छा सपोर्ट किया अपर शक्ति खुराना ने और अभिषेक बैनर्जी ने। श्रद्धा कपूर का डिसअपॉइंट हुआ कि उसका स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ा कम था, थोड़ा और रोल ज़्यादा होना चाहिए था। ओवरऑल फर्स्ट हाफ थोड़ा मुझे लिटिल बिट स्लो लगा, बाकी सेकेंड हाफ में पिक्चर पिकअप की है। म्यूज़िक अच्छा है, अमर कौशिक का डायरेक्शन अच्छा है और VFX भी मतलब बहुत काम अच्छे से काम किया है VFX पे। तो ओवरऑल एक अच्छी एंटरटेनिंग मूवी बनाई है। मेरे लिए सेकेंड हाफ थोड़ा एंगेजिंग था, फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगा, सेकेंड हाफ थोड़ा अच्छा एंगेजिंग था, मतलब बांधे रखी पिक्चर ने एंड तक। लेकिन थोड़ा सा क्लाइमेक्स में मुझे थोड़ा लिटिल बिट मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब क्लाइमेक्स अच्छा था उनका, मतलब शॉर्ट रोल था अच्छा था, उनका आइटम सॉन्ग बहुत अच्छा था, मतलब मज़ा आया उनका आइटम सॉन्ग देखने। सरप्राइजेस मिले, लेकिन क्या क्या सरप्राइज मिले वो ऑडियंस आके देखे, कि मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा। आप आइए, दो तीन सरप्राइजेस है, आप देखेंगे बहुत एंटरटेन होंगे और सरप्राइज देख के आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे। पवन सिंह का गाना अच्छा है, पवन सिंह का जो गाना बजता है वो बहुत बढ़िया है। बाकी सब गाने अच्छे हैं, ऐसा मतलब कोई मुझे ऐसा मतलब बहुत अच्छा गाना कोई नहीं लगा, बाकी सब गाने अच्छे लगे। मैं बॉक्स ऑफिस की अगर बात करने जाऊँ तो मतलब बॉक्स ऑफिस पे तो स्त्री 2 मतलब बहुत आगे है, मतलब स्त्री 2 95% है, तो वेदा 3% है, खेलकर में 2% है। बाकी ऐसा क्वालिटी की बात करूँ तो पिक्चर देखूँगा तो पता चलेगा। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि खेल खेल में भी अच्छी रहेगी और वेदा भी अच्छी होगी। ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि आप आइए, आपको हॉरर भी मतलब हॉरर आपको बहुत अच्छे से दिखाया है, हॉरर आपको एंटरटेनमेंट भी अच्छा मिलेगा और आपको मतलब स्त्री का पूरा यूनिवर्स देखने मिलेगा। तो ज़रूर आइए, एंटरटेन होइए और ज़रूर देख लीजिए स्त्री 2। बेहतरीन फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म, द बेस्ट फिल्म रिलीज टुडे ऑन 15th of August। बहुत अच्छा, इट इज़ नथिंग टू डू विद 15th August, नथिंग टू डू विद इंडिपेंडेंस डे, नथिंग टू डू विद, बट बिकॉज इट इज़ अ हॉलीडे, अगर किसी को जाके आफ्टर योर होमेज टू आवर कंट्री किसी को जाके अगर इनको एंटरटेन होना है तो ये फिल्म जाके देखो यार, फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम आप हंसते जाओगे, क्या कॉमेडी पंचेस है। डायलॉग राइटर इज द हीरो ऑफ दिस फिल्म, द डायलॉग राइटर, द पंचेस जो जिन्होंने लिखे, ही इज द हीरो ऑफ द फिल्म, क्या पंचेस है, सुपर। ये कॉमेडी हॉरर है, हॉरर कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी मतलब हॉरर को पेश किया गया है इन अ कॉमिकल वे। अरे सुपर, व्हाट अ प्रेजेंटेशन, इसको बोलता है आर्ट ऑफ डायरेक्शन। अगर किसी को डायरेक्शन सीखनी है, स्त्री 2 देखो और देखो एक सब्जेक्ट के साथ आप कैसा आप खेल सकते हो, दोनों दोनों दोनों। मैं एक फ्रेम भी मिस नहीं किया, एक फ्रेम भी मैंने मिस नहीं किया, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड द कॉमेडी टाइमिंग ऑफ अक्षय कुमार, आई एम टेलिंग यू, इज माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। वो छोटा सा रोल है, एक छोटा सा रोल है, कैमियो है, मगर उसने पूरी पिक्चर को अपने कंधे पे ले गया है। और लास्ट का स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, स्त्री 3 आने वाली, उसकी झलक हमको मिल जाती है। एंड वी आर, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। गाने कैसे लगे? गाने ठीक है, तमन्ना भाटिया है ठीक है, मैं इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करता, मुझे कहानी से ज़्यादा लगाव होती है हमेशा, गाने आइटम सॉन्ग्स उससे ज़्यादा मैं लगाव नहीं करता, मैं कहानी परफॉर्मेंस से ज़्यादा लगाव हुआ है। हाँ होना ही चाहिए। और क्या लगता है आपको? और आपको, हाँ बिल्कुल, मेरे लिए ब्लॉकबस्टर है। मैं ट्रेंड एनालिस्ट नहीं हूँ, सो मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कितना करोड़ कमाएगी, पर मेरे लिए इट इज़ अ ब्लॉकबस्टर, ब्लॉकबस्टर इन बोल्ड लेटर्स। स्त्री 2 वंडरफुल, ऑल द परफॉर्मर्स, हाँ अनदर थिंग, द बेस्ट परफॉर्मर इन द फिल्म वॉज अभिषेक बैनर्जी, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। उसने वेदा में भी एक्टिंग की एज अ विलन, ही वॉज माइंड ब्लोइंग। नो डाउट वेदा मुझे अच्छी बिल्कुल नहीं लगी बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन, बट हिज परफॉर्मेंस स्टूड आउट। एंड इन दिस फिल्म ही वॉज फंटास्टिक, क्या वर्सेटाइल एक्टर, मुझे लगा ये कॉमेडी के लिए बना हुआ है, नहीं यार वेदा देखने का मैं बोला यार ये क्या he's a great performer. Shraddha Kapoor, Rajkumar Rao, amazing actors, no doubt about it. Pankaj Tripathi, amazing comedy timing.
बट दिस फेलो स्टील्स योर हार्ट मिस्टर अभिषेक बनर्जी। हाँ भेड़िया भेड़िया तो ये फिल्म में ना एक यूनिवर्स बनाया इन्होंने, ठीक है ना। आजकल वो यूनिवर्स का दौर चल रहा है, तो ये भेड़िया और अलग अलग चीज़ों का अब थर्ड यूनिवर्स भी आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। वो जो स्त्री थ्री में आपको नजर आएगा। इस फिल्म को आप कितने स्टार देना चाहेंगे? बिल्कुल कुछ मार्क्स मत काटो, फिल्म फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम हंसाते जाएगी हंसाते जाएगी हंसाते जाएगी। एंड जिनको कॉमेडी पंचेस अच्छे लगते हैं, स्लैपस्टिक कॉमेडी की जो बात कर रहा हूँ, अगर वो अच्छा लगता है ऐसे फिल्म में तो जाकर ये फिल्म देखो, इन्वेस्ट करना ये फिल्म के पीछे, इन्वेस्ट करो, टिकट खरीदो ये फिल्म का, एंड यू गो विद द एंटायर फैमिली। कैसे लगी? बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूवी, मतलब फुल एंटरटेनमेंट। इतने टाइम बाद कोई अच्छी मूवी आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को फर्स्ट सीन से लेके एंड सीन तक फुल एंगेजिंग लगी। मैं लास्ट का गाना भी देख के आई हूँ, एक पैसे भी नहीं छोड़े मैंने। ऑडियंस पूरा थिएटर भरे हुए हैं, ऑडियंस से तो पूछने की बात नहीं है, लोग आगे की सीट पर बैठ के यूं देख रहे हैं। फिर श्रद्धा कपूर की एक्टिंग कैसी लगी? मैं राजकुमार राव, बाप रे क्या एक्टर है वो बंदा, एक सेकंड मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक्टिंग कर रहा है या भगवान हो चुका है एक्टिंग का। मतलब फर्स्ट मूवी एंड नाउ इज डूइंग लाइक दैट। हर एक कैरेक्टर उसमें जो भी है, भले उसने एक सीन रोल प्ले किया है या 10 सीन रोल, वो जो स्त्री घूंघट में आई है ना, उसने भी अच्छा रोल प्ले किया। मैं तो कह रही मुंजिया का अभी ज्यादा नहीं था, मुंजिया का लिटिल बिट, पर हिंट दिया है उन्होंने, जो मुंजिया मूवी में एंड में हिंट था ना, वो यहाँ पे कंटिन्यू किया है। तो नाउ आई एम एक्साइटेड कि जब ये तीनों मिलेंगे और ये यूनिवर्स में एक साथ आएंगे, आप भी ये जल्दी पार्ट 3 निकाल दे, इतना मेरे पास सस्पेंस नहीं है रुकने, क्योंकि 3 मूवी लगातार इन्होंने निकाल दिया है। गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब प्रॉपर, और मतलब अच्छा सीन है, सबकी केमिस्ट्री अच्छी है, स्पेशली राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। अभी मैंने 6.5 दी थी, 7 बोल दूँ क्या आउट ऑफ 5। उसको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो आए, टाइम निकाले और देखे ये मूवी, और उनको पता चले यार मूवीज भी अच्छी बन रही हैं। लोगों का ना लग रहा है कि वेब सीरीज ही अच्छी है, नहीं, मूवीज तो मूवीज ही होती है, ऐसी मूवीज निकलेंगे तो ब्लॉकबस्टर ही होंगे भाई साहब। बहुत अच्छी लगी मुझे फिल्म, बहुत ज़्यादा अच्छी। जनरली हॉरर प्लस कॉमेडी उतना अच्छा नहीं बनता है, बट इस मूवी में एक सेकंड के लिए भी हमें मतलब डिस्कनेक्ट नहीं किया, कनेक्शन बना रहा हमारा, मतलब ओवरऑल स्टार्टिंग टू एंड बेहद अच्छी थी, बहुत मजा आया देख के। सब अमेजिंग, वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छी, और स्पेशली राजकुमार राव बहुत बेस्ट, बहुत अच्छे सॉन्ग्स तो मुझे ओके लगे, बाकी पूरी फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तो 5 out of 5 देना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छी तो लगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्ट 3 भी आ रहा है। हाँ, पार्ट 3 भी आ रहा है। मैं तो सबको कहना चाहूंगी आप जरूर जाइए, जरूर देखिए, मजा आने वाला है। बट वो सरकटा मुंडी बहुत डरावना है, वो मुझे भी डर लग गया उसे देख के। के लिए मैं अभी भी शॉक में हूँ, क्योंकि एक के बाद एक ऐसा सस्पेंस, ऐसा सरप्राइज दिया है ना कि मैं स्पीचलेस हो गई हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ। फर्स्ट हाफ का जो इंटरवल पार्ट था वो बहुत माइंड ब्लोइंग था। मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ कुछ भी, स्पॉइलर कुछ भी नहीं दोगी, पब्लिक का मजा खराब नहीं करोगी। मैं इंटरवल पार्ट वॉज अमेजिंग, एंड जो क्लाइमैक्स था वो तो आउटस्टैंडिंग था। एंड सरप्राइज पैकेज के लिए तो बाप रे मैं क्या बोलूँ, मतलब जो एंड में उन्होंने सरप्राइज पैकेज दिया है उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, बस वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटमेंट है कि अब क्या होगा, अब अमर सर अब क्या लाने वाले हैं। स्टार्स डे से पहले मैं बोलूँगी कि श्रद्धा कपूर मैम को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि श्रद्धा कपूर मैम एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, तो उनको आप और स्क्रीन प्रेजेंस दो, उनके ऊपर और फोकस करो, बिकॉज उनको हम बहुत ही कम देखते हैं मूवीज़ में, तो जब आते हैं तो उनको पूरा पूरा टाइम दो मूवी में, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी। पर सबका काम अच्छा था तो मेरी तरफ से मूवी को 5 on 5, एंड प्लीज ऐसी और मूवीज आती रहे, स्त्री को दोबारा लाइए आप। थैंक यू। 3-2 बहुत अच्छी मूवी है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, बहुत एंटरटेनिंग है, फनी भी है। मुझे इनिशियली लगा था थोड़ी स्कैरी होगी, बट स्कैरी नहीं है, अच्छी मूवी है, फैमिली के साथ जरूर जाना चाहिए। एंड 15th August है इसलिए मैं आई हूँ हमारी पूरी टीम के साथ, हमारी जो एक्टिंग क्लास है, आई एम एन एक्टर एट सेल्फ, तो हमारी पूरी एक्टिंग क्लास के साथ, इट्स अ वेरी नाइस मूवी, सबको मजा आ गया, इट वाज फन, एंड द सॉन्ग इज आज की रात वाज वेरी नाइस एंड ग्लैमरस, आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा। हाँ, इट्स लाइक द मूवी इज क्वाइट एजी, एवरी टाइम देर इज समथिंग न्यू, सो इट्स अ क्वाइट गुड, मतलब जो जनरली जो रोम कॉम्स होती है वैसी टिपिकल मूवी नहीं, इट्स अ डिफरेंट, इट्स अ थ्रिलर, आई लाइक इट। राजकुमार राव इज अमेजिंग, पंकज त्रिपाठी सर इज अमेजिंग, सुपर, श्रद्धा कपूर इज अमेजिंग, सब लोग बहुत अच्छे हैं। लाइक एक्साइटमेंट लगा और क्या कुछ खास लगा? बच्चे थे, अब थोड़े बड़े हो गए हैं, बट आई थिंक बड़े होने के बाद भी और बचपन में भी अच्छी लगी थी, अभी भी अच्छी ही लगी है। वरुण धवन का तो मुझे प्रिडिक्टेड था, बट अक्षय कुमार का एक सरप्राइज एलिमेंट मेरे लिए था,
क्या रही ये अचानक से। लास्ट में उन्होंने पॉइंट भी छोड़ा है ना, तो मे भी हो सकता है कि आगे विलेन बन के आए वो, या फिर नेक्स्ट उन पे ही कोई स्टोरी बेस्ड हो सोलो, तो वो हमें लगा कि शायद ऐसा हो। बिहार से नहीं, नहीं, मैं गाने पे बता रहा हूँ, पहले नहीं देख रहे थे ये लोग। मैं बिहार से हूँ और पवन सिंह का जो गाना उन्होंने गाया है, सो इट वाज रियली गुड। क्या है ना कि पवन सिंह का फैन फॉलोइंग बिहारी यूपी में बहुत ज्यादा है, ऑब्वियस बात है इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उनको इस फिल्म से जुड़ने का मौका मिला या जोड़ा गया तो मुझे लगता है कि ये फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ा है स्त्री टू के लिए। एक क्रेज बिहारी यूपी में बहुत ज्यादा बढ़ा है, और इनफैक्ट वो जो गाना है वो वायरल भी हुआ है, मूवी से पहले ही वायरल हो रखा था, और अभी भी मैंने जब सारे गाने सुने तो रियली पवन सिंह वाला गाना बहुत अच्छा। एज यूजुअल राजकुमार राव तो हमेशा अच्छे ही होते हैं, और स्त्री में तो उनको देखने के लिए ही आ रहे हैं हम लोग, और श्रद्धा कपूर भी अच्छी है, अपार शक्ति ने बिल्कुल बांध के रखा है, बाकी अभिषेक बनर्जी बीच में आए थे बट उनका भी अच्छा था, और पंकज त्रिपाठी। कॉमेडी फिल्म है तो डर वगैरह लगा आप सभी को? स्टार्टिंग में लगा था थोड़ा सा, सर कटा, सर फिरा। नॉट काइंड ऑफ कि डर लगा, बट वो जो इफेक्ट्स थे, वो साउंड के इफेक्ट, सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी थी, और एक हॉरर कॉमेडी को सही में एक हॉरर तरीके से भी दिखाया गया, फिर कॉमेडी तरीके से भी फिल्म को बांध के रखा है, और मैं कहूँगा कि वो एक फुल मज़ा, फुल एंटरटेनमेंट आया है, फुल पैसा वसूल, फुल पैसा। सी टू तो वही टाइम में कल रात को, मतलब शाम को ही बुक कर ली थी कि कहीं आज तो लग रहा था अच्छा कुमार आए हैं, बोले गए कि बगल वाले में मेरी भी फिल्म लगी हुई है देख ले। इस फिल्म को कितने स्टार देना पसंद करेंगे आप? 4.5 5.5 थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।